पुणे की साइकिलिस्ट प्रीति मस्के साइकिल चलाकर केवल 55 घंटे 13 मिनट में लेह से मनाली पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं और इसी के साथ विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। प्रीति मस्के की यह उपलब्धि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगी और जल्द ही सर्टिफिकेट मिलने की भी उम्मीद है। दो बच्चों की मां प्रीति ने लेह मनाली हाईवे के जरिए 428 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसकी कुल ऊंचाई 26,000 फीट से अधिक थी। 45 साल की प्रीति ने 17,542 फीट ऊंचे पास पर साइकिल चलाई, जो उस हाईवे का सबसे ऊंचा पास है। उन्होंने कहा, ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार और बिना रुके साइकिल चलाने से नींद की कमी को मैनेज करना बड़ी चुनौती थी। मुझे अपनी यात्रा के दौरान दो बार हाई पास पर सांस फूलने के कारण ऑक्सीजन लेनी पड़ी। इससे पहले सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता गौरव कार्की ने 22 जून को सुबह 6 बजे प्रीति को हरी झंडी दिखाई थी और 24 जून को दोपहर 1:13 मनाली के BRO के 38 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल शबरीश वाजली ने उनका स्वागत किया। लेह मनाली हाईवे पर सैकड़ों मोड़ और कई ऊंचे पहाड़ी पास है, जिससे गुजरना आसान नहीं था। वहीं बारालाचा पास सहित कुछ स्थानों पर बर्फबारी के बीच भी प्रीति ने साइकिल चलाना जारी रखा। उनके चालक दल के सदस्यों में से एक आनंद कंसल ने कहा कि प्रीति को उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी पास पर कठोर और बदलती जलवायु परिस्थितियों में साइकिल चलाना पड़ा। उसे तेज हवाओं, बर्फबारी, धूप, धूल और ठंडे तापमान का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि BRO की सहायता के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं था। उनकी तरफ से एक सैटेलाइट फोन और चिकित्सा सहायता के साथ दो सहायक वाहनों को तैनात किया गया था। लंबी दूरी की साइकिलिंग में प्रीति के नाम कई रिकॉर्ड हैं।